सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रितु राज उर्फ राणा को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में डकैती, लूट, गांजा, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसी दर्जनों गंभीर कांड में मामला दर्ज है। रूड़ी सैदपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सूचना मिला था कि अपराधी सूरत में छिपा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर से आदेश प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सीतामढ़ी के नेतृत्व में छापेमारी हेतु एक विशेष पुलिस टीम को सूरत भेजा गया था। पुलिस टीम द्वारा उक्त अपराधी के सूरत स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय सूरत में प्रस्तुत करते हुए आदेश प्राप्त कर सीतामढ़ी लाया गया। उक्त अपराधी द्वारा अपने स्कूल के समय से ही अपराध की दुनिया में अपनी सक्रियता को स्वीकार किया गया है। उक्त अपराधी वर्ष 2018 में मुजफ्फरपुर जिले में दो डकैती, वर्ष 2018 में ही शिवहर जिले में पुलिस पर फायरिंग, वर्ष 2023 में सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लूट एवं अन्य कई गंभीर घटना को अंजाम देने के साथ साथ नक्सल गतिविधि में भी शामिल रहा है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी पुलिस जगह जगह जाँच इत्यादि कर रही है और पूर्व के भी वांछित जो कांड है उनमें जो खासकर जो वांछित अभियुक्त हैं, जो गंभीर कांडों के वांछित अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर हम लोग एक पैरेलली एक आप कह सकते हैं कि मिशन मोड में काम कर रहे हैं। उसी क्रम में पूर्व के एक यहाँ के खूंखार अपराधी रहे ऋतुराज उर्फ राणा, जो कि रून्नी सैदपुर थाना अंतर्गत वो रहने वाले हैं, वो जो पिछले करीब 7-8 सालों से इस पूरे इलाके में उन्होंने दहशत फैला रखी है, क्योंकि उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, लूट, हत्या, डकैती और NDPS के कांड, साथ ही साथ नक्सल से संबंधित कुछ कांड भी हैं, विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ कांड हैं जो इन पर दर्ज हैं, ऐसे दर्जनों कांड इनके ऊपर दर्ज हैं। ये जो हैं पिछले कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से दूर थे, ये 25,000 के इनामी भी रहे हैं। इनके बारे में आसूचना संकलन करने के क्रम में थानाध्यक्ष रून्नी सैदपुर मुकेश कुमार जो है हम लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया और हमने ये पता किया कि ये जो है अभी सूरत गुजरात में रह रहे हैं, जहाँ फिर एक टीम की गठन की गई पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ। टीम को सूरत भेजा गया, सूरत में इनके ठिकाने के सही से स्टडी कर और फिर वहाँ पर छापेमारी की गई, जहाँ इनको गिरफ्तार किया गया सूरत पुलिस के सहयोग से। वहाँ उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके उनसे उनके लिए ट्रांजिट रिमांड लिया गया और कल रात को देर रात वो आए हैं। उनसे सभी संबंधित घटनाओं के बारे में उनसे पूछताछ इत्यादि की गई है। उनसे पूछताछ करने के उपरांत आज उन्हें माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया जा रहा है। इस तरीके से ये जो है 25,000 के इनामी जो ये हैं, ये पूरा तिरहुत जो रेंज है शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में, विभिन्न कांडों में इनको दर्जनों इनके ऊपर केस है और ये 25,000 के भी इनामी हैं। इनकी सफलता को लेकर हमें पूरी उम्मीद है, इस इनको पकड़े जाने को लेकर रून्नी सैदपुर में एवं इन जनरल सीतामढ़ी एवं तिरहुत रेंज में शांति व्यवस्था बहाल करने में एक सुचारू कदम हुआ।